राज्यरे तळमुहा कोरोना ग्राफ आज 9000 तले दैनिक संक्रमण गत 24 घंटे 8845 पॉजिटिव चिन्हट होती खोर्धारु पुणि सर्वाधिक 2528 सुंदरगढ़ 1001 केस रही सेपरी कटकरु 628 बालेश्वरु 290 कलाहांडीरु 249 बलांगीरु 232 पॉजिटिव चिन्हट होती आज पॉजिटिव मध्यरु क्वारंटाइन्रु 5128 एवं लोकल केस रही 3717 सेपरि 18 वर्षरु कम 927 संक्रमित रही आज संख्या को मिसाई राज्य में मोट आक्टिव केस 88150 पहुंची तेज संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्यज्योति जदि देखा राज्य में वर्तमान धीरे धीरे करोनार ग्राफ तलकू तल जा तो आम गोटे आशा करवा गोटे भल समय गोटे खुशी खबर आसूची राज्यवासी देखो मोना की निश्चित भाव आप देखिए गत 13 तारीख रु जो 10000 पार ट्रेंड जारी रही 20 तारीख पर्यंत ये ट्रेंड कंटिन्यू करला जहाँ को नहीं स्वास्थ्य विषय मैंने चिंता प्रकट करते ओडिशारे हुए तो जदि तृतीय लहर ये ट्रेंड जहाँ देखा 20,000-30,000 पर्यंत संक्रमित संख्या दैनिक जापे कि वर्तमान परिप्रेक्षी गत काली आप देखिए जो भाई ट्रेंड पुणे तलमुहा आम कहीपरवासी गोटे आश्वस्तिकर खबर जे आम जो भाई मुकबिला कले विशेषकर सर्भिलांस और टेस्टिंग दिगरे सरकार जो भाई मुकबिला कले लोक मैंने जो भाई सहयोग कले से गोटे भल फल गोटे भल दिग सामना को आसला ट्रेन तलमुहा लगी तलमुहा होबनी जे ट्रेन आग को बढ़ कि कमी चलो ताब ना कि जो दुई दिन खबर यह आम समस्त गोटे बड़ आश्वस्तिकर खबर जे ओडिशारे ट्रेन तलमुहा वर्तमान तृतीय लहर में आम जो आशंका करूले हुए तो 20-30,000 पर्यंत दैनिक संक्रमण जापे से भाई वर्तमान स्थिति ना जे 20-30,000 दैनिक संक्रमण जीव कितु जदि पुणी थे संक्रमित संख्या बढ़े ताल कहब ना कौन से स्थिति रुँ बर्तमान परिप्रेक्षी समस्त भल खबर जे आप देखिए 13 तारीख संख्या 10,000 पार कर लगातार सात दिन धरिकी 12,000 10,000 11,000 यही रोला कितु गत काली आप देखिए 10,000 ते रही आज 9,000 तलू खसी ट्रेंड जारी रुए ताले आउ किसी दिन भितर अर्थात जुलाई 30 सॉरी जनवरी 30 सुधा आम ये तृतीय लहर कवरअप कर बाहर जा जहाँ विषय मैंने कहते आ गोटे कथा सामना को आसूसी जे विशेषकर सर्भिलांस सहित लोक मान जो कोविड गाइडलाइन आपको आम के भूलवा ना आमको आहरी दुई मस पर्यंत यह गाइडलाइन मानिक चलिया पड़ो आम जी भाविया जो संक्रमण कमी जामें मास्क पिंधे आवश्यक ना गाइडलाइन को मानवा ना कटक मानवा ना गहली जमाइबा बाहर जो जाऊे मास्क सठिक भाव में पिंधा ना ये सब जिनि आम फोन से करवा संक्रमण आउ थे बढ़ी पाए तो से दृष्टिकोण अंत आमको आज दुई मस सचेतन रहा पड़ो जनवरी 30 पर्यंत आमको ये जो ट्रेन उपर नजर रखा पड़ो ये ट्रेन कौन पड़ो कोविड कटक को भी मानिया को पड़ो कि आउ गोटे कथ दिव्यज्योति देखु गत काली स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र भी प्रतिक्रिया रखी जेहतु लगातार भाव वर्तमान किसी दिन है गत 4 दिन है जदि देखा संक्रमण हार धीरे धीरे कमिबा को लगुच कोरोना ग्राफ तल को तल खसुची एमती लगुच आज आगुक जदि स्थित किसीटा सुधार आसूची म्यूटेशन जदि चेंज होनी कोरोनार भाइरस तेज हुए तो मार्च पर आमको मास्क भी पिंधिया को न पड़ी पारे देखो निश्चित भाव प्रत्येक पैंडेमिक रोटे एंडेमिक थाए आप जी स्पानिश फ्लू देखिए किय जो पैंडेमिक आसाला सब पैंडेमिक रोटे एंडेमिक थाए गोटे निर्दिष्ट समय सीमा पर्यंत ये भूताणु तार काय विस्तार करे और परव समय धीरे धीरे से दुर्बल हो जाए जितेबाला आमर आंटी भाइरस आसी जा आम मास्क दे पार से आम आंटी भाइरस ट्रप बनईे वैक्सीन बनईे तो यह सब दिग्वर आम भाइरस को मास्क देने वर्तमान पृथ्वी सारा समस्ते वर्तमान सक्षम पाखापाखि 70% लोक भाइरस को मास्क देखने शक्ति रही तो भाइरस यही समय धीरे धीरे दुर्बल हो तो भाइरस जो दुर्बल हो समय आम जो सब कटक भितर थे जमीक प्रथम थर पर समग्र विश्व मास्क भितर बचा चेषा करस्क भर बंची मास्क भितर निज मुह लुचाई तो वर्तमान से सब दिग्वर आमको टिके कोहल आमको आश्वस्ति मिल
ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡେମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଣ୍ଡେମିକ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଯେଉଁଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଗଲା ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏତେ କ୍ଷତି କରୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମ ଦେହରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ତ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରୁନି, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ହୁଏତ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନୂଆ କିଛି ଭାରିଏଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୋଇକିରି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସେ, ତାର କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପାଣ୍ଡେମିକ ବା ଯୋଉ ଆସିଥାଏ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ 2-3 ଲହର ପରେ ଏଇ ଯୋଉ କହିପାରିବା ଭାଇରସ ଗୁଡିକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାହଉଛି ବା ଆଶା କରାହଉଛି ଯାହାପରେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସିବ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆଉ ମାସ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।